सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय टू चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में आपको बताने लगा कि आज आपके अमेज़न अकाउंट को आप हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं, मतलब कि आप परमानेंटली आप अपने अमेज़न अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा के लिए कैसे डिलीट करेंगे अमेज़न अकाउंट को। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको लाइव एक स्टेप करके दिखाना रहूँ, और यहाँ पे गाइज आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो अमेज़न अकाउंट होगा वो हमेशा के लिए कैसे डिलीट होगा। तो फाइनली गाइज, अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। सो फाइनली गाइज, अब आपको यहाँ पर अमेज़न अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो अमेज़न एप्लीकेशन है उसको आप यहाँ पर ओपन करेंगे। यहाँ पर गाइज एप्लीकेशन को ओपन करने से पहले गाइज आप यहाँ पर इसे चेक कर लेंगे कि अगर एप्लीकेशन नहीं अपडेट है, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपडेट कर लेंगे। फिर गाइज जैसे ही अपडेट कर लेंगे तो आप इसको ओपन करेंगे। अब देखिए गाइज, जैसे ओपन करेंगे तो उसका जो होम डैशबोर्ड होगा या फिर कह लीजिए जो होम इंटरफेस होगा, देखिए इस तरह से ओपन होगा। तो फाइनली गाइज, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपन जिस भी अमेज़न अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो अपने उस अमेज़न अकाउंट को यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। अब देखिए गाइज, जैसे आप यहाँ पर अमेज़न अकाउंट को लॉग इन कर लेंगे तो सिंपली गाइज आपको क्या करना है डिलीट करने के लिए परमानेंटली, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन का मेनू का, यहाँ पे देखिए थ्री लाइट का आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा, अपने मेनू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वेल गाइज, अब देखिए जैसे आप मेनू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जब ऑप्शन का एड्रेस का बाय अगेन का अकाउंट लिस्ट है, तो उसमें लिखा जब इस पर क्लिक करना है, ये जो पेज है आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाएंगे। और अब देखिए जैसे आप यहाँ नीचे जाएंगे तो फाइनली गाइज यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमर सर्विस का, तो अपने कस्टमर सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए कस्टमर सर्विस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज अमेज़न का जो कस्टमर सर्विस डैशबोर्ड होगा वो देखिए ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए गाइज आपका वेलकम है। तो सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, जो पेज है फ्रेंड आप यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ले जाएंगे। अब देखिए स्क्रॉल करते हुए जैसे आप यहाँ नीचे जाएंगे तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिड नॉट फाइंड व्हाट यू वेर लुकिंग फॉर। तो गाइज ये कह रहा है कि आप यहाँ पर ऐसा क्या चीज़ खोज रहे थे जो आपको नहीं मिला। तो फाइनली गाइज यहाँ से मेरा जो टॉपिक था वो यही था फ्रेंड कि हम अपने अमेज़न अकाउंट को हमेशा लिए कैसे डिलीट करें। तो गाइज यहाँ पर जो टॉपिक है यहाँ पर कहीं नहीं मिला, तो सिंपली गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ सबसे नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए गाइज आपको दो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए चैट विद अस का है, और यहाँ पे देखिए जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे देख लिखा है टॉक टू अस का। तो सिंपली गाइज अगर आप यहाँ पर अमेज़न टीम के थ्रू आप यहाँ पर चैट करना चाहते हैं, चैटिंग के थ्रू आप यहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से गाइज फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे। बट गाइज अगर आप यहाँ से बात करना चाहते हैं डायरेक्टली बात करके, तो सिंपली गाइज आप यहाँ सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे गाइज आप सेकंड ऑप्शन चूज करें, वैसे गाइज आप यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब सिंपली गाइज जैसे क्लिक करेंगे टॉक टू अस पे तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो सिंपली गाइज आपको नीचे आना है और यहाँ से गाइज आप कोई सा भी ऑप्शन चूज करेंगे। तो गाइज यहाँ से मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से गाइज आप लॉग इन एड्रेस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। और देखिए गाइज जैसे आप यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हाउ कैन वी हेल्प यू विथ दिस। तो गाइज ये कह रहा है कि हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं, और क्या सहायता कर सकते हैं। तो सिंपली गाइज यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन होगा आई वांट टू क्लोज माई अकाउंट का, तो सिंपली गाइज आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए गाइज जैसे आप क्लिक करेंगे आई वांट टू क्लोज माई अकाउंट, तो फाइनली गाइज आपके सामने देखिए अकाउंट क्लोज करने जो पेज होगा देखिए ओपन हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे देखिए लिखा हो कन्फर्म योर डिटेल्स सो वी कैन कॉल यू। तो गाइज ये कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना एक बार डिटेल कन्फर्म करिए ताकि हम आपको बैक कॉल कर सकें। तो सिंपली गाइज यहाँ पर आपको जो अमेज़न अकाउंट होगा, जिस भी अमेज़न अकाउंट को हम डिलीट कर रहे हैं, तो आपके उस अमेज़न अकाउंट का जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो सिंपली गाइज अगर आप किसी और नंबर पर कॉल करना चाहते हैं तो आप यहाँ वो नंबर फिलअप कर सकते हैं। वैसे गाइज यहाँ पर जो नंबर पर यहाँ पे एडिट नहीं होगा, तो सिंपली गाइज अभी आप क्या करेंगे, आप यहाँ नीचे आएंगे और अब देखिए जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो गाइज यहाँ पे देख लिखा हुआ है कि टू प्रोसीड विद अकाउंट क्लोजर प्लीज एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन हियर। तो गाइज ये करेंगे अगर आप वाकई में अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है इसको आप यहाँ पे एक्सेप्ट करिए। तो सिंपली आप क्या करेंगे, आप टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे। और अब देखिए गाइज जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सिंपली गाइज आप यहाँ आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। और अब देखिए जैसे आप यहाँ आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइज यहाँ पे देखिए जो कॉल मी नाउ बटन का ऑप्शन है वो यहाँ पे देखिए हाईलाइट हो जाएगा। तो अब गाइज आप क्या करेंगे, आप यहाँ कॉल मी नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम है वो यहाँ पे देखिए 4 मिनट्स का है। तो सिंपली गाइज जैसे आप यहाँ कॉल मी नाउ पे क्लिक करेंगे तो अगले 4 मिनट के अंदर आपके पास अमेज़न कस्टमर की तरफ से कॉल आएगा, और वो आपसे कन्फर्मेशन के लिए पूछेंगे कि आप वाकई में अपने अमेज़न अकाउंट को आप हमेशा डिलीट करना चाहते हैं परमानेंटली। अगर फ्रेंड आपका जवाब होगा हाँ, तो जो अकाउंट होगा यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। बट गाइज अगर आप किसी वजह से बोल देंगे कि नहीं मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गाइज आपका जो अकाउंट होगा वो हमेशा के लिए डिलीट होने से बच जाएगा। तो फाइनली गाइज चलिए यहाँ मैं कॉल मी नाउ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि कॉल कैसे आता है।
तूफानी गैस यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे काल में नाउ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हो सॉरी और कैल बैक सर्विस करेंटली अनुरोध। तो गैस अभी यहाँ पे देखिए जो कॉल बैक सर्विस है वो यहाँ पे देखिए अनुरोध चला है, बट गैस यहाँ पे देखिए आपको टोल फ्री नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली गैस अगर आप यहाँ पर इस नंबर पर कॉल करके भी अपने अकाउंट को डिलीट करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से गैस आप बहुत जल्दी आप हमेशा के लिए अपने अमेजॉन अकाउंट को आप डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप गैस की आप वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सर किसी फ्रेंड्स में, और अगर गैस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।